दोस्तों स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। फ्री राशन योजना वितरण नया अपडेट, जरा आप इस नए अपडेट के बारे में जान लीजिए, क्योंकि दरअसल आपको बता दें पहले चरण के राशन वितरण अब होने जा रहे हैं समाप्त। 20 जुलाई तक वितरण की आखिरी डेट थी, लेकिन दूसरे चरण का राशन वितरण क्या इसके बाद इसी महीने से शुरू होगा? ये लगातार हमारे वीडियोज में कमेंट आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए है कई जगहों पर कोटेदार द्वारा हड़ताल किया गया है, हड़ताल अभी भी चालू है। इससे उत्तर प्रदेश के कई जिले में पहले चरण के राशन वितरण में देरी हुई है और आगे भी देरी होने की यही आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारक हैरान है और परेशान है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में कई जिले हैं जहाँ पे राशन वितरण पहले चरण का आज 19 जुलाई है, लेकिन अभी भी शुरू नहीं हो पाया। सो यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि दूसरे चरण का राशन इसीलिए 25 जुलाई से शुरू होगा और पहले चरण के राशन के वितरण की तारीख जो है वो 2 से 3 दिन और बढ़ा दी जाएगी, जिससे कि सभी जिलों में पहले चरण का राशन वितरण समाप्त हो जाए, यानी सभी राशन कार्ड धारकों को मिल जाए। वैसे दूसरे चरण के राशन में आपको क्या क्या मिलेगा ये आपको जान लेना चाहिए और किस डेट से शुरू होगा ये तो मैंने आपको बता दिया कि 25 जुलाई से शुरू होना है। और ये राशन वितरण जो दूसरे चरण का होगा ये जून महीने के दूसरे चरण का है, लेकिन आपको बता दें ये लगभग 5 से 8 अगस्त तक आपको मिलेगा। इस दूसरे चरण के राशन में आपको दोस्तों इस बार भी चना तेल नमक मिलेगा, यानी जो केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन है उसमें भी आपको चना तेल नमक मिलेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार के राशन में नहीं मिलता, ये बात सच है, लेकिन जून महीने में नहीं मिला इस वजह से आपको इसमें मिलेगा। और आपको बता दें इस बार 35 किलो केवल चावल मिलने वाला है सभी राशन कार्ड धारकों को। और अगर आप अंत्योदय राशन कार्ड धारक है तो आपके लिए एक और बेनिफिट है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड 20 जुलाई तक बन रहा है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े ऐलान किए हैं कि जितने भी अंत्योदय राशन कार्ड धारक हैं उनको 5 लाख का बीमा वाला आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिससे कि वो किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में जरूरत पड़ने पर फ्री इलाज पाए। तो यही कारण है कि आप जाके 20 जुलाई तक अपने किसी भी कोटेदार से मिलकर संपर्क करके आयुष्मान कार्ड बनवा लें या फिर किसी भी सरकारी अस्पताल में जाकर बनवा सकते हैं, बस आपको अपना अंत्योदय राशन कार्ड लेकर जाना होगा। सो एक अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। तो ये छोटे छोटे अपडेट होते हैं जो आपके साथ शेयर किया जाता है। फिलहाल आप बता दीजिए कि ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं और क्या आपको पहले चरण का राशन मिल गया है या नहीं, और पूरा मिला है या नहीं ये कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।